प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित भारत एवं फ्रांस की महिला टीमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच के समापन कार्यक्रम में विजयी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि गोरखपुर में प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि खेल अपने आप को साबित करने का एक बेहतरीन मंच होता है। खिलाड़ी खेल भावना से खेले, इसमें कोई देश की भावना नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर आगे लाने के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के साथ ही उन्हें राजपत्रित अधिकारी भी बनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार खेलो इंडिया के तहत लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। साधारण बैकग्राउंड से आने वाले खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए कई योजनाएं भी संचालित हैं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में अधिक से अधिक मैचों का आयोजन हो। इस अवसर पर खेल निदेशक आरपी सिंह ने सभी का स्वागत करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा खेलों के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स कॉलेज में चेंज रूम एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किया गया है। भारत फ्रांस के मैच में भारत ने 3-2 से विजय प्राप्त की। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। के मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा साहब यहां पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पहनाकर महाराज जी जेपी नड्डा जी को अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ और बैज भी 28 तारीख को एस्ट्रोटर्फ की सौगात समूचे गोरखपुर को दी। ऐसे परम पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को बैज लगाकर पुष्पगुच्छ देकर और अंगवस्त्र ओढ़ाकर उनका स्वागत करें। बाबा गोरक्षनाथ की ये बगर अनुरोध करूंगा डॉक्टर आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसको तत्काल करा लो यहाँ पे, तो उनके आशीर्वाद से प्रथम बार पहली बार गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हुआ। तो मैं खेल विभाग की तरफ से, गोरखपुर वासियों की तरफ से, सभी खेल प्रेमियों की तरफ से, खास तौर से हॉकी के खिलाड़ियों की तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से ये मैच यहाँ संपन्न हुआ। आप सब जानते हैं कि हॉकी इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं आदरणीय श्री मुश्ताक अहमद साहब, मैंने कहा कि गोरखपुर में और लखनऊ में हमको मैच कराना है, तो उन्होंने कहा ठीक है बात करते हैं। चूंकि ये मैच कहीं और दे चुके थे, तो फिर मैंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा साहब हैं, उनसे मैंने निवेदन किया और ये मैच आपके सम्मुख का दूसरा हुआ। और खुशी की बात यह है कि आज हमारी टीम 3-2 से यहाँ पे जीत करके श्रृंखला में बराबरी की। चलिए मैडम
मंत्री जी आइए, हमारे सभी वरिष्ठ हम सब जानते हैं कि खेल को प्रोत्साहन पिछले 5 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा किया गया और कोशिश की गई कि जो हमारे साधारण बैकग्राउंड से आने वाले खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग और उनको सभी चीजों में मदद दी जाए और उसका नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है तो उसमें हमारी ट्रेनिंग संख्या बढ़ाई जहां भी चलती है तो देखने को मिला। अभी सचिन साहब बता रहे थे कि योगी जी ने कहा कि यहाँ जरूर अंतर्राष्ट्रीय मैच करो और उन्होंने फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के फेडरेशन के लोगों से बातचीत की और ये संभव इसलिए हो पाया क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहले तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया को और उसके बाद पॉलिटिकल कमिटमेंट किया जिसके माध्यम से आज हॉकी फेडरेशन ने यहाँ मैच को संपन्न कराया। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत महत्व होता है जो पीछे से प्रोत्साहन दे और उसका नतीजा हम सबको देखने को मिला। मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करता हूँ, अपने इंडियन टीम को बधाई देने में और फ्रांस की टीम ने को भी साधुवाद देने में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत की जीत हुई है, हम सब लोग इसके लिए खुशी का जहाँ इजहार करते हैं वहीं बधाई देते हैं इंडियन टीम को और हम लोग इसी के तरीके से ज्यादा मैचेस हराने की कोशिश करेंगे। अभी आपने बताया कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच गोरखपुर में हो रहा है, ये अपने आप में बदलती खेल की तस्वीर बता रहा है और गोरखपुर की अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो इसका स्थान था वो खेल के जगत में भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता आशीष प्रदान करें परम पूज्य जी महाराज। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के टूर्नामेंट के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत है भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय जी जगत प्रकाश नड्डा जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष नवाज सुधारक जी एक दूसरे
की क्षमता को वहां पे और अपने आप को स्वामित्व करने का एक बेहतर मंच होता है। बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों ने यहाँ पर किया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में खेल के प्रति जो रुचि भारत सरकार ने दिखाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो के आधार पर इस देश के गांव के सामान्य युवाओं को भी खेल के प्रति व्यापक रुख जाने में जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में कॉमनवेल्थ में या फिर एशियन गेम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बहुत अच्छी राशि हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से देते हैं। साथ ही साथ ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने कोई पदक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त किया है उन्हें राष्ट्रपति अधिकारी के रूप में नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने देने की व्यवस्था की है। आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी होंगी और भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। मुझे सबसे बड़ी बात अच्छी काशी ने दी कि मैं तो कल रात्रि को ही गौरव को बुलाया और मैं बात के लिए सशक्त की कहा कि पता नहीं वहां मैच होगा दर्शक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा मैदान भरा हुआ था। फ्रांस की और भारत की टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भारत की टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि जो चार मैच इस टूर्नामेंट में हुए हैं उसमें बराबरी पर उन्होंने गौरव को इस मैच को लाया है। बाकी की श्रृंखला में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए हॉकी को भारत की पहचान रही है, इस पहचान को इसलिए मैं आप आगे लेकर के जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति आज जब बसंत पंचमी का पर्व है प्रयागराज कुंभ में चौथा प्रमुख स्नान साई अंतिम साई स्नान या वहाँ संपन्न सफल संपन्न हुआ है। मुझे ये बात ये प्रसन्नता है कि अब तक के कुंभ में 16.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ संगम पर पवित्र स्नान किया। आप अनुमान लगा सकते हैं 16.5 करोड़ और अभी की अभी दो स्नान बाकी है तो स्वाभाविक रूप से संख्या काफी आगे बढ़ेगी। अब तक का रिकॉर्ड है और मुझे लगता है जैसे प्रयागराज कुंभ ने रिकॉर्ड बनाया है वैसे भारत की टीम से अपना रिकॉर्ड बनाएगी। आप सबकी कृपया शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।